प्रोजेक्ट से प्रेरित होकर शिक्षा विभाग के जिला प्रोग्राम ऑफिसर किशनगंज मोहम्मद आफ्ताब रहमानी ने किशनगंज जिला के 61 प्राइमरी स्कूलों में चित्र के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का सफल एवं सार्थक प्रयास किया है, जिसमें आज किशनगंज जिला के 28 प्राइमरी स्कूलों में चित्र के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में इन्हें सफलता मिली है। मोहम्मद आफ्ताब रहमानी ने इन स्कूलों के रेगुलर निरीक्षण भी करते हैं। इस संदर्भ में श्री रहमानी का कहना है कि बाला प्रोजेक्ट शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी बदलाव है। आज ऐसे अभिभावक जो आर्थिक मजबूरी के कारण अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल एवं प्ले स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए बाला प्रोजेक्ट एक अच्छा विकल्प के रूप में है। इसके तहत एक साथ सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। जिला पदाधिकारी किशनगंज हिमांशु शर्मा ने कि साइकोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि जीवन में सीखने की प्रारंभिक उम्र 5 से 7 साल के बीच होता है। वहाँ पर बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट अगर ठीक ढंग से ना हो तो उनके जीवन का इंटेलिजेंस बाधित हो जाता है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने बच्चों की शिक्षा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चित्र के माध्यम से शिक्षा देने प्रारंभ किए हैं। वही शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने बताया कि चित्र के माध्यम से पढ़ने और पढ़ाने में हम लोगों को समझाने में आसानी होती है और बच्चे किताबों की तुलना में इस पद्धति में अधिक रुचि ले रहे हैं एवं उनकी उपस्थिति भी काफी बढ़ गई है। आपने किताब के बजाय प्राइमरी स्कूल के बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, हम लोग जो है बाला स्कीम को किशनगंज जिला में कार्यान्वित कर रहे हैं। बाला का मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एट। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में हम एक क्लास का चयन करते हैं, उसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, रिमॉडलिंग करते हैं, ताकि पेंटिंग के माध्यम से क्लास इतना आकर्षक लगे जो बच्चों में एक उत्साह जगाता है और बच्चे मोटिवेट होते हैं और सीखने के स्तर पर उनको काफ़ी आसान हो जाता है उनके लिए लर्निंग डेवलपमेंट। रहा सवाल कि ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, तो मैं जब क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जब रिसर्च कर रहा था तो इस स्कीम के बारे में पता चला। जैसे इस स्कीम के बारे में मैं रिसर्च करना शुरू किया, उसी प्रकार इससे जुड़ता चला। जुड़ने के दरमियान ये पता चला कि ये गुजरात में, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा सफल है और बच्चों में एक लर्निंग डेवलपमेंट को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इसका एक गुणात्मक देखा गया है। तो मैंने सोचा कि इसे किशनगंज में इसको एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए मैंने जिला प्रशासन से सहयोग लिया और इसको एक टीम लीड करके, मीटिंग करके मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया, जिससे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए साबित हो रहा है। दो तीन बिंदु मैं रखना चाहूँगा, जैसे कि उनकी उपस्थिति, जो इनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले बच्चे स्कूल में कम आते थे, अब उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। दूसरी बात है कि बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीख पा रहे हैं, क्योंकि वो किताब से पढ़ना उनके लिए एक बोझिल सा होता था, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। लेकिन जब बच्चे डेली क्लास में आते हैं, अबाला क्लास में जब अपने दीवार पे आकर्षक पेंटिंग देखते हैं और डेली उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं, तो उनके मस्तिष्क में ऐसा लगता है कि छप जाता है। अब बच्चे बहुत देर तक उसको रिटेंशन जो है कैपेसिटी, जिसको हम मेमोरी पावर बोलते हैं, बढ़ जाता है। तो एक अच्छा तरीका है और मुझे लगता है कि ये बाला एक क्रांतिकारी बदलाव है प्राइमरी शिक्षा के जगत में, और मैं बहुत ही ज़्यादा होपफुल हूँ कि ये बिहार के सारे जिलों में लागू हो और इसका सार्थक प्रयास हर जगह देखने को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मेहताब रहमानी और मैं बिहार शिक्षा सेवा का अधिकारी हूँ। है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। धूप है छम से बिखर, तू है नदी चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। पहले की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में बहुत चेंजिंग आई है। बच्चों को समझाने में हम लोगों को आसानी होती है। किताब से बच्चे समझते हैं नहीं समझते हैं उतना अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा पाते हैं, लेकिन अभी जो फिगर बना हुआ है इससे बच्चों को समझाने में और बच्चों को समझने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बच्चे इससे आसानी से सीख रहे हैं। इसमें बच्चे
इस फिगर की वजह से ज़्यादा बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, बच्चे स्कूल आने में रुचि ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? उकसाना खाती। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा में लिख के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। पहले तुम लोग किताब से देख कर पढ़ती थी और अभी फोटो देख कर पढ़ती हो, तुमको कैसा महसूस हो रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ती हो? पहले आप लोग किताब के जरिए पढ़ाते थे और आज फोटो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, दोनों के पढ़ाने में आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? सर देखिए, एक ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ हम किताबों में पढ़ते हैं समय के साथ वो भूलते चले जाते हैं और जो भी हम लोगों ने पढ़ा है किताब से मोटा मोटी उसका 20-30% ही हमको याद रह पाता है, और उसी के कंपेरिजन में जो चीज़ हम लोग देखते हैं उसकी याददाश्त बहुत दिनों तक रह जाती है। यही कंसेप्ट के थ्रू हम लोगों ने यहाँ बाला में जो सारा चीज़ पढ़ाई है छोटे बच्चों के लिए, ABCD हो, 1-2-3 हो, क ख ग हो, ये सारा पिक्चर्स के माध्यम से बनाया है ताकि बच्चे उसको देखें तो उनको एक लॉन्ग टर्म तक याद रह जाए, क्योंकि ये सारा सर विजुअल हो गया है और विजुअल चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म तक बच्चे के मेमोरी में रह जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल, भारत ने 1983 में विश्व कप जीता था, 30-40 साल हो गए लेकिन अभी भी सबके दिमाग में वो दृश्य है कि कपिल देव लॉर्ड्स के स्टेडियम में क्रिकेट का विश्व कप उठाए हुए। ये इसलिए हम लोगों को याद है 30-40 साल पुराना घटना, क्योंकि वो हम लोगों ने विजुअल देखा है। और इसमें बाला में साथ में पेंटिंग को कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाने से क्या हुआ है, बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं, कार्टून्स है, कार्टून देख करके बच्चों को थोड़ा रोचकता आता है, तो इससे क्या हुआ है कि सर बच्चे रुचि ज़्यादा ले रहे हैं, इससे उनका उपस्थिति का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये बाला से हम लोगों को मेनली फायदा हुआ है। क्या नाम है आपका? रेहान शमशी। नीति आयोग से प्रोत्साहित बाला प्रोजेक्ट के तहत किशनगंज जिला में 28 स्कूलों में चित्र के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इससे यहाँ के लोग किस प्रकार लाभान्वित हो? देखिए, मकसद यही है कि जो फर्स्ट इनिशियल फ्यू इयर्स होते हैं हम लोग का, जो प्राइमरी एजुकेशन का है, 5th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, उसमें भी इनिशियल फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, सो दैट कि उनको जो इंटरेस्टिंग ऑडियो विजुअल मेथड से हम लोग पढ़ाई करा सकें, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई कर सकें, इसी मकसद से हम लोगों ने जो बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया है अपने स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल्स में, क्योंकि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि जो इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं 5-7 ईयर्स, वहाँ पर जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है या जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो अगर ठीक ढंग से ना हो पाए तो पूरा जीवन ही बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो कुछ हद तक बाधित हो जाता है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इतना इंटरेस्टिंग हम लोग स्टडी को बनाएं इनिशियल फर्स्ट और सेकेंड क्लास के बच्चों के लिए कि उनको पढ़ाई में अच्छा लगने लगे, मज़ा आने लगे और वो आगे बढ़ चले। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने डिफरेंट जो वॉल्स पे पेंटिंग्स कराई हैं या स्कूल्स की जो डिफरेंट दीवार हैं, जो वहाँ पर दरवाजे हैं या खिड़कियाँ हैं, जो भी सीढ़ियाँ हैं, उन सबको हम लोगों ने एज ए लर्निंग एड उसको बनाने का कोशिश किया और हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है। 2-3 स्कूल्स को मैंने खुद भी विजिट किया है, तो वहाँ पर सभी बच्चों को खेल खेल के माध्यम से हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं और हर बच्चे का जो गुणवत्ता है, जो शिक्षण कार्य हो रहा है वो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। सेकंडली, ये डिफरेंट जो इस असर का रिपोर्ट आता है, प्रथम ऑर्गेनाइजेशन जिसको रिलीज करती है वो भी इस बात को बताती है और रिपोर्ट भी कि जो हमारे पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों का जो नॉलेज है वो काफ़ी पुअर है, स्पेशली मैथमेटिक्स और लैंग्वेज स्किल्स को लेकर के, तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि 10-20% या 30% परफॉर्मेंस बच्चों का ऑप्टिमम रहता है, तो उसको इम्प्रूव करने का प्रयास है। सभी टोला सेवक, सभी टीचर्स जो अच्छे इस सब में इंटरेस्ट लेते हैं और सभी बच्चों को इन्वॉल्व कर करके, पेरेंट्स और उसकी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5th क्लास तक एटलीस्ट जो नॉर्म्स हैं, जो नेशनल नॉर्म्स हैं एजुकेशन के या अचीवमेंट के, लर्निंग आउटकम्स के, वो हम लोग अचीव कर सकें। उसी तरफ एक छोटी चिड़िया, एक छोटी चिड़िया, पेड़ पे गई सो, पेड़ पे गई सो, एक और आ
की बाजार, जय हिंद की बाजार। एक और आ गई, एक और आ गई, हो गई चार, हो गई चार। कौन सा कलर है ये बात? ये कौन सा कलर है? मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया रोशन हुई सारी जमी, जगमग हुआ सारा जहां। ओ उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहां। धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां। हैरान तू मौसम का है मेहमान तू, बासी जिंदगी उदासी ताजी, हंसने को राजी, गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां।
कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान।